दोस्तों, जेंडर प्रेस थीम से रिलेटेड फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आगे के फंक्शन और फीचर के बारे में जेंडर प्रेस थीम के कस्टमाइज से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने आपको साइड एंट्री बता दी है। लेआउट में जाते हैं तो आपके कंटेनर, हेडर, प्राइमरी नेविगेशन और साइड बार, ये सारे ऑप्शन को पढ़ा दिए। इसके अंदर क्या क्या काम होता है, कौन सा फंक्शन क्या वर्क करता है, किस तरह हम इसकी सेटिंग करते हैं, अगर इन सेटिंग को हम यूज़ करते हैं तो साइट पर हमें क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, है ना। तो आज जो बात होगी वो फुटर ऑप्शन से रिलेटेड होगी। तो फुटर हम जेंडर प्रेस थीम में कैसे कस्टमाइज करते हैं, कैसे साइट का या कह सकते हैं ब्लॉक का फुटर यहाँ पर सेट कर सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर हम फीचर फंक्शन मिलते हैं, तो फुटर से रिलेटेड जानकारी के लिए जेंडर प्रेस थीम में, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। इसका दोस्तों आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो सबसे पहले हम बेसिक बता दें आखिर ये फंक्शन क्या है। देखिए, फुटर विद, अगर आपको फुटर विद सेट करना है तो आप इस फंक्शन का यूज करेंगे। इनर फुटर विद आपको सेट करनी है तो आप यहाँ पर इसको इस ऑप्शन को यूज करेंगे। फुटर विजिट यूज़ करना है, आपको कितने फुटर में विजिट चाहिए वो आप यहाँ से सेट करेंगे। फुटर बार अलाइनमेंट, आपको सेंटर चाहिए, राइट चाहिए, लेफ्ट चाहिए, वो यहाँ पर सेट करेंगे। वैक टू टॉप बॉटम बटन आप इनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, वो यहाँ से सेट करेंगे। आपको अच्छे से सारी जानकारी मिल गई होगी। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर फुटर बेद और इनर फुटर बेग दोनों आप अपने हिसाब से सेट कर लेना कि आपको इनर फुल चाहिए या कंटेंट चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही फंक्शन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। फिर है फुटर विजिट, आपको फुटर में कितने विजिट चाहिए वो यहाँ से आप सेट करेंगे, ठीक है। तो अभी एक भी विजिट नहीं है, यहाँ पर तीन चाहिए, चार चाहिए, पाँच चाहिए, वो आप यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं। चलिए मुझे तीन चाहिए तो मैं यहाँ पर तीन सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर अभी फुटर विजिट नहीं आ रहे, अब आपको ये कैसे सेट करना है उसके लिए दोस्तों आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में फिर से आ जाना है। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन अपेरेंस, अपेरेंस में आपको थीम, कस्टमर एंड विजिट्स, आपको विजिट्स ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप वर्डप्रेस के विजिट सेटिंग में आ जाएंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर विजिट का ये देखिए फुटर विजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको विजिट कैसे करना है, पहले आप नीचे आएंगे, इसके फुटर बार में आ जाएंगे। तो ये है फुटर बार जेंडर प्रेस थीम का, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे फुटर बार पर, अब ये प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूछ रहे आपको कौन कौन से विजिट चाहिए वो आप यहाँ पे इंसर्ट कराइए। तो मैं प्रैक्टिस के तौर पे ले लेता हूँ आरएसएस फीड, फिर ले लेते हैं यहाँ पर हम इस पे क्लिक करेंगे और फिर ले लेते हैं यहाँ पर कैटेगरी, यानी यहाँ पर कैटेगरी ज़्यादा हो गई, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एंड यहाँ एक और ले लेते हैं, लेटेस्ट पोस्ट, एंड यहाँ एक और ले लेते हैं, एंड लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इम्बेड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर चार आपको विजिट लेके बता दिए। तो पहला आरएसएस, फिर यहाँ पर कैटेगरी, रिसेंट पोस्ट और यूट्यूब। एंड यहाँ पर चारों विजिट लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपडेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर फुटर बार आने लगे। तो यहाँ पर कैटेगरी है एंड लेटेस्ट पोस्ट, आपको फुटर विजिट कितने चाहिए वो यहाँ से सेट करेंगे। तो आपको दो चाहिए, एक चाहिए, वो यहाँ से सेट कर लीजिए। एंड यहाँ फुटर बार अलाइनमेंट, तो लेफ्ट राइट कैसा चाहिए, मुझे सेंटर में चाहिए, देखिए सेंटर में आने लगा ये देखिए, है ना। अभी यहाँ पर फुटर है वन, तो आप यहाँ कितने रखना चाहें वो रख सकते हैं, ये देखिए। तो अभी यहाँ पर और विजिट हमें इंसर्ट कराने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तीन है, दो है, एक है, जो भी आपको रखना है वो कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर वन ही सिलेक्ट करूँगा, मुझे और इंसर्ट कराने होंगे विजिट, तो जितने चाहिए उतने कर सकते हैं। तो यहाँ लेफ्ट राइट सेंटर आपको कैसे चाहिए वो यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ सेंटर में ले लेते हैं। एंड यहाँ पर बैक टू टॉप बॉटम,
तो यहाँ पर डिसेबल और इनेबल, इनेबल करेंगे तो यहाँ पर बटन आ जाएगा राइट साइड में। चलिए हम इनेबल कर देते हैं। तो देखिए ये बटन आने लगा, दिख रहा है आपको। जैसे इस पर क्लिक करेगा यूज़र पहुँच जाएगा ऊपर टॉप पर, नीचे आएगा यहाँ पर ये। अब ये इनेबल रखना है डिसेबल रखना है वो आपको चेक करना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इनेबल कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूँ फुटर विद और यहाँ पर इनर फुटर विद। ठीक है, तो फुटर विद में देखिए यहाँ पर हम इसको बैक जाएंगे तो अब ये फुल आ रहा है। जहाँ पर देखिए ये मार्जिन छूटा है ब्लैक सा, है ना। यहाँ पर फुल है वाइटनेस, यानी कि पूरा फुटर फुल है ना। ये देखिए ये फुटर यहाँ पर फुल सिलेक्ट है। तो आप चाहते हैं कि इस जो भी कंटेंट लिखा है इसके सीलिंग से आ जाए, मतलब इसके सेंटर के हिसाब से आ जाए, तो यहाँ पर इस तरह का कलर आ जाएगा। मतलब इसका बैकग्राउंड इतना आया हो तो फुटर जो विद है वो कंटेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको क्या करना है, कंटेंट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए फुटर यहाँ पर इस तरह आने लगा। ठीक है, कंटेंट के हिसाब से सिलेक्ट हो गए। ये देखिए यहाँ पर आपका साइड बार होगा तो साइड बार के हिसाब से सेट हो गए। ये देखिए साइड बार यहाँ पर ये है ना। ऐसे ही आप यहाँ पर इनर फुटर विद को कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको दोनों फंक्शन को यूज़ करना अपने हिसाब से कीजिए। आपको फुल विद चाहिए या आपको कंटेंट के हिसाब से चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर कंटेंट के हिसाब से सेट कर दिया कि जितना कंटेंट आ रहा हो उतना ही फुटर रहे, फुल नहीं हो। बाकी तमाम सेटिंग करने के बाद आपको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद आप चेक करेंगे अपनी साइट को, देखिए आपको यहाँ पर फुटर मिलेगा। तो नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर फुटर ये है ना। तो अभी फ़िलहाल हम आपको ऑप्शन पढ़ा रहे हैं, हम जनरल प्रिस्टीम में जब ब्लॉग बनाएंगे पूरा सेटअप करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि ऑप्शन अगर पढ़ ही लेंगे फंक्शन आप समझ ही लेंगे तो आप अपने हिसाब से अपने फुटर को सेट कर सकती कि मुझे किस तरह का फुटर चाहिए, है ना। तो ये था फुटर से रिलेटेड कुछ फंक्शन। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।